तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करते हैं पेपर फॉर्म में क्या आपको चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, यदि आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑनर्स होना चाहिए, आपका अपना सब्जेक्ट से होना चाहिए, जो भी जिस लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहते हो उससे आपका ऑनर्स कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पूछेगा सीटेट में आप कौन से लैंग्वेज से अपियर हुए थे, तो मैं आपको बता दूँ हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स वाले, सभी सोशल स्टडीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, जब आप सीटेट एग्ज़ाम देते हो तो सोशल स्टडीज़ के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होता है। जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो या हिंदी ऑनर्स हो, तो आप लोग इस पे कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। आपका जो ऑनर्स है उसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस आप अपने ऑनर्स के अनुसार ही आप टीचर बन सकते हो लैंग्वेज के। तो इंग्लिश चूज करोगे तो प्रेफरेंस वन में इंग्लिश ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो इंग्लिश के साथ आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, हिंदी से ऑनर्स किए हो, तो हिंदी हिंदी प्लस इंग्लिश आपको रखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर इंग्लिश आपके लिए हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसी प्रकार मान लीजिए आप उर्दू से ग्रेजुएशन किए हो, तो उर्दू और इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको देना होगा, यानी आधा प्रश्न उर्दू से आएंगे, आधा इंग्लिश से आएंगे। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि डू यू वांट रिलैक्सेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर ये उनके लिए है दोस्तों जिनका मार्क्स दोस्तों कम है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिनका भी मार्क्स 50% से कम है वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है, फिर भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब लैंग्वेज टीचर का ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ बच गया, सोशल साइंस टीचर का। ठीक है, तो सोशल साइंस का यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका जो ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों, आपका सोशल साइंस में यानी हिस्ट्री ये सब सारा सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है सीटेट और टेट नेबरिंग स्टेट से आपने जो किया है तो किस में किया है, तो यहाँ पर से आपने आपका सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, किससे किया है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, तो आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है। सीटेट में आपने कौन से सब्जेक्ट को लेकर क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर आप सोशल साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर दो। और यहाँ पर अपना आपका कौन सा ऑनर्स है, ठीक है, इसमें जो आपका ऑनर्स है दोस्तों जो भी दिख रहा है, ठीक है, आपका जो भी ऑनर्स है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप हिस्ट्री चूज कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्ट्री चूज कर दो। उसके बाद प्रिफ्रेंस वन में आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री सबसे पहले रखना। उसके बाद प्रिफ्रेंस टू और थ्री में आप जो भी रख, थ्री में आपको जो रखना है सोशोलॉजी रख लेना, जो भी रखना है रख लीजिएगा। तो ये सभी आपके डाउट क्लियर हो गए दोस्तों। सोशल साइंस वालों को मैंने बता दिया, लैंग्वेज टीचर का बता दिया, मैथ साइंस का बता दिया, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप अपने ऑनर्स के अनुसार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपका ऑनर्स यहाँ पर दे देना दोस्तों, ठीक है, ऑनर्स दे देना यहाँ। ठीक है, अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर दे के भी जा सकते हो, यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, दे के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपका ऑनर्स है हिस्ट्री तो हिस्ट्री दे के ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी बात आप अदर्स भी दे के जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पर हिस्ट्री दे के जाना। ठीक है, अदर्स भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो बस एग्ज़ाम है और ये तो बस फॉर्म है, इसमें आप अदर्स दोगे फिर वहाँ पूछा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है। तो आप अदर्स भी दे के जा सकते हो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप अदर्स दे के चल जाना, लेकिन मेरे अनुसार आपका जो ऑनर्स है, यदि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो वो दे के चले जाना। ठीक है, यहाँ अदर्स इसलिए दिया है क्योंकि दूसरे राज्यों में टेट अलग अलग जहाँ जैसा होता है इसलिए दिया हुआ है, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। ऐसा आप, मैं बता दूं, सब्जेक्ट प्रेफरेंस वन टू थ्री में कुछ भी आप रख सकते हो, आपको जो रखना है, लेकिन लैंग्वेज टीचर के लिए प्रेफरेंस वन और टू आएगा, यानी आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने आपको प्रीवियस पीछे बताया हुआ है। मान लीजिए आप हिंदी रखते हो तो हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश रखते हो तो इंग्लिश इंग्लिश, और उर्दू रखते हो तो उर्दू इंग्लिश आपका जरूरी है दोस्तों। तो ये सारे जो आपके कन्फ्यूजन थे, सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर दिया हूँ। फिर भी और मन में कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया,
लेकिन दोस्तों इसे बनाना बहुत ज़रूरी था। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे दोस्तों इस लैंग्वेज पेपर को लेकर और साइंस टीचर को लेकर, और ये जो सामाजिक टीचर जो बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के जो टीचर बनना चाहते हैं उनको लेकर काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन थे सोशल साइंस टीचर को लेकर। तो ये डाउट क्लियर हो गया दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, और कोटा के नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके कोटा के नोट्स इजीली ले रहे हैं दोस्तों। जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पर आप मैसेज करें, आपको कोटा के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।